हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री वितरण करने के लिए बाढ़ राहत सामग्री समिति का निर्माण किया है। महुआ के मंगरू चौक पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक विनोद यादव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैजनाथ शर्मा को संयोजक तथा अधिवक्ता श्याम आनंद को सह संयोजक बनाया गया है। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक विनोद यादव ने बताया कि महुआ से ही 300 बोरा चना, चूरा, मिठा, दिया सलाई और मोमबत्ती इकट्ठा की गई है, जो कल छपरा के परसा में इसका वितरण किया जाएगा। इसके अलावे दरभंगा, सीतामढ़ी के बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी हिंदू जागरण मंच के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस बैठक में प्रोफेसर अरुण नंदन कानू, डॉक्टर अजय कुमार, अमर कुशवाहा, रमेश तिवारी, बैद्यनाथ राय, चंद्रिका झा, जितेंद्र झा, महेश राय, अंजुमणि जायसवाल, मुन्ना शर्मा, शत्रुघ्न राय, कृष्णकांत, बैद्यनाथ राय आदि उपस्थित थे। महुआ के बयान नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सिंघाड़ा के परोपकारी सभा के कार्यकर्ताओं ने अभी से ही तटबंध की मरम्मती की कार्य शुरू कर दी है। सभा के कार्यकर्ताओं ने अपने में चंदा करके तटबंध बनाने का काम शुरू कर दिया है। मिट्टी बैग में भरकर तटबंध पर रखकर उन्हें बांस बल्ले से कस रहे हैं। इस संबंध में परोपकारी संघ के अजीत कुमार सिंह ने बताया कि बयान नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण महुआ में भी बाढ़ से स्थिति हो गई है। कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है। हम लोग अपने परोपकारी सभा के माध्यम से अभी सिंघाड़ा में तटबंध मरम्मती का काम कर रहे हैं, ताकि नदी का पानी गांव में ना घुसे। इस दौरान इंद्रजीत कुमार सहित परोपकारी सभा के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। सरकार गंभीर नहीं, सरकार अगर गंभीर होती तो आज जो बिहार में, जो खास करके उत्तरी बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है, ये नौबत नहीं आती। हर साल बाढ़ आती है, हर साल नई नई योजनाएं बनाती है सरकार, और फिर जब समय ख़त्म हो जाता है तो सरकार उस पर अमल नहीं करती है, जिसका नतीजा है बाढ़ की समस्या हर साल बनी रहती है और लोग हर साल परेशान होते हैं। जनता की तकलीफ से सरकार को कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं। अरे महुआ में भी बाढ़ है, वैशाली जिला भी बाढ़ बहुत प्रभावित है, क्या लगता है? महुआ जैसी जगह में भी बाढ़ का पानी, यानी नदी का पानी चारों तरफ फैल रहा है। कभी आज तक यहाँ पर हुआ है, हुआ भी है तो कई साल के बाद अगली बार आया, तो कम से कम यहाँ के प्रशासन को तो कम से कम सचेत रहना चाहिए। आखिर जनता के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, यहाँ का प्रशासन क्या व्यवस्था दे रहा है? मैं नहीं समझता कि कोई व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। महुआ प्रखंड क्षेत्र के रामपुर चंद्रभान उर्फ डगरू पंचायत के बाया नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों में भय व्याप्त है। कहीं कहीं से गांव के नदी का किनारा कट गया है तथा पानी खेतों में आ गया है, जिसको लेकर पंचायत के मुखिया पति सुधीर राय ने अपने ही पैसे से बांध निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। मुखिया पति और ग्रामीण अपना श्रम दान देकर बांध का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में मुखिया पति सुधीर राय, अमोद कुमार यादव, बालम बिहारी, भोला राय, मोहम्मद सोबराती, देवेंद्र यादव आदि ने बताया कि बाया नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है। हमारे गांव की नदी भी उफान पर है, कभी भी कहीं से भी पानी गांव में पहुंच सकता है, इसलिए हम लोग कमजोर किनारों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं तथा अपने ही पैसे से बांध का निर्माण कर रहे हैं, ताकि नदी का पानी गांव में न आए।
हाँ बोलिए। महुआ प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी संजीत कुमार चौधरी को भारतीय सबलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेणु कुशवाहा ने सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनके मनोनीत से क्षेत्र के लोगों में खुशी व्याप्त है। संजीत कुमार चौधरी के मनोनयन पर पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिन्हा, युवा जिलाध्यक्ष संदीप चौधरी, छात्र अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा सिंह, पार्टी के नेता अनिल कुमार राणा, मिथिलेश कुमार चौधरी, केशव तिवारी, सर्वेश सिंह, सुमित कुमार आदि ने कहा कि उनके सहकारिता के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी और मजबूत होगी।